अभी यहाँ पर मैगी की ब्रेक के लिए बैठे हैं, लेकिन स्नोफॉल इतनी तो यार दिल यही कर रहा है कि यहीं पे रुक जाऊं। यो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोलो बैकपैक रमन। तो जैसा कि यार आप लोगों ने कल की वीडियो में देखा होगा कि मैं मनाली में पहुंच गया था। यार जैसे मैं मनाली के माल रोड से आ रहा था ओल्ड मनाली की तरफ, तो वहां पर एक फेस्टिवल की तैयारियां शुरू हो रही थी। अभी थोड़ी देर में हम पहले तो हडिम्बा टेम्पल जाएंगे। यहाँ से नज़दीकी हडिम्बा टेम्पल 1.5 किलोमीटर ट्रैक करके चले जाएंगे। उसके बाद मनाली की माल रोड में जाएंगे, देखेंगे कि वहाँ पर क्या फेस्टिवल की तैयारियाँ चल रही थी, क्या वहाँ पर माहौल बना हुआ है। और बाहर तो यार स्नोफॉल वाला भी माहौल बन चुका है। अभी 1.5 घंटे के बाद 80% चांस है स्नोफॉल होने के, बाकी भगवान कर दे हो ही जाए यार, वही देखने तो आए हैं। अभी आप लोगों को बाहर का वेदर दिखा देता हूँ, है ना, एक बार हॉस्टल से अपने रूम से, उसके बाद हम निकलेंगे हडिम्बा टेम्पल की तरफ। सोचा यार आप लोगों को अपना रूम भी दिखा दूं। ये है मेरा रूम, सारे के सारे बेड बुक हैं, 1, 2, 3, 4 वो वाला मेरा बेड है, ये वाला। अभी जस्ट सोकर उठाऊं वो मेरा सामान वगैरह पड़ा है। वैसे अंदर लोकर भी है, इस साइड वाशरूम है, वाशरूम भी क्लीन है, बढ़िया है। और ये बेड है दो। और बाहर का माहौल देखो भाई साहब, सामने निकलते ही जब आपको ऐसी स्नो वाले माउंटेंस मिल जाए तो क्या ही बात है यार, दिन बन जाता है ना। अभी हम हडिम्बा टेम्पल की तरफ जाएंगे ना, तो इससे भी ज़्यादा स्नो मिलेगी भाई, इससे भी ज़्यादा स्नो मिलेगी। अभी पीते हैं चाय वगैरह, उसके बाद चलते हैं हडिम्बा की ओर। तो यार वो और आपने बिल्कुल सामने हडिम्बा देवी माता टेम्पल, इसकी हिस्ट्री में आप लोगों को बताता हूँ। हडिम्बा देवी जो थे, ये पांडवों में से जो भीम था उसकी पत्नी थे, और ये मंदिर 1539 CE में बनवाया गया था। यहाँ पर हडिम्बा माता अपने भाई हडिम्ब के साथ में रहते थे। अभी अंदर चल के देखते हैं क्या माहौल है यहाँ का। ये देखो यार, ये देखो यार कितनी लंबी लाइन लगी हुई है ना टेंपल के अंदर जाने वालों की, इसलिए हम बाहर से ही दर्शन कर लेते हैं क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाएगा। भाई आगे से घूम के इधर आ रही है लाइन। मेरे को सब मालूम पड़ा, तेरा वीडियो मेरे पास है बेटा, अभी दिखा दूं तेरे पापा के, भेज दूं तेरे पापा पास। तो यार ये जो सामने आप देख रहे हो ना पेड़ के नीचे मंदिर, ये माता हडिम्बा और भीम के पुत्र घटोत्कच का मंदिर है। तो हडिम्बा माता टेंपल से 200 मीटर की दूरी पर है। तो ओल्ड मनाली में आप लोग ये भी विजिट कर सकते हो, काफ़ी अच्छी जगह है ये भी घूमने के लिए। तो यार अभी माल रोड जाने से पहले मैं यहाँ पराठा खाने के लिए आया हूँ। एक्चुअली भूख काफ़ी ज़्यादा लग रही थी यार, मैंने सोचा हल्का फुल्का खा लिया जाए, ज़्यादा हैवी तो खाऊंगा नहीं क्योंकि तभी थोड़ी ना ठीक नहीं लग रही मेरे को, क्योंकि बस का सफ़र, आज ही बस से उतरा हूँ तो नींद भी नहीं मिली पूरी। तो देर अपना पराठा साथ में लगा और अपनी गर्मी चाय, तो अभी इसको खाते हैं और इसके बाद निकलेंगे माल रोड की तरफ। स्नोफॉल तो हुई ही है, समय से बाहर है, वेदर फोरकास्ट झूठा पड़ रहा है गूगल पे, तो भरोसा ही मेरा भाई साहब यार। चलो देखते हैं क्या बात है। तो यार खाना वाना खाकर मैं माल रोड में पहुंच गया था, लेकिन मैंने जितनी भी अपनी वीडियो रिकॉर्ड की थी माल रोड
में आकर वो सारी पता नहीं क्या हो गया, ग्लिच सी हो गई वीडियो के बीच में, ब्लैक ब्लैक कलर आ रहा है, तो वो मैंने क्लिप डाले नहीं यहाँ पर। आप लोग ये क्लिप देख लो, इसमें आप लोग देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा भीड़ है माल रोड पर, क्योंकि वेदर फोरकास्ट के हिसाब से लिखा हुआ था स्नोफॉल, तो उस वजह से काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट आया हुआ था। और जो मैं फेस्टिवल की बात कर रहा था, वो कि फेस्टिवल नहीं था, वो तंबोला खेला जा रहा था वहाँ पर। तो यार आज हम लोगों ने हडिंबा देवी टेंपल और मनाली की माल रोड घूमी है। मनाली की माल रोड पर यार रश इतना ज़्यादा था, जितने भी लोग आए थे स्नोफॉल के लिए आए थे, मैं भी क्योंकि 90% लिखा हुआ था, मैं भी उसी के चक्कर में आया था, लेकिन यहाँ पर मेरे को कुछ नहीं मिला यार, मूड ऑफ हो गया। अभी परसों का 100% लिखा है, देखते हैं रहूँगा या नहीं रहूँगा ये तो पता नहीं। बाकी सोलांग वैली में आज स्नोफॉल गिरी हुई है, तो कल या परसों में भी मैं सोलांग वैली जाऊँगा। कल का ऐसे रखते हैं ना, कल का ओल्ड मनाली के साइडों में चीज़ें घूमने के लिए है ना, ट्रैकिंग पॉइंट है, काला पत्थर लाइक ऐसी कोई जगह है, ऊपर से पूरी मनाली सिटी दिखती है, वो चीज़ें घूमेंगे और ओल्ड मनाली को एक्सप्लोर करेंगे। और अभी मैंने अपने डिनर में मंगवा रखा है राजमा चावल, इसको खाते हैं और आज की वीडियो यहीं पे बंद करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना है ना। तो मिलते हैं ऐसी किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भोले।